हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेता स्वीट होम। मैं हूँ श्वेता। और फ्रेंड्स, आज मैं एक और रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही डिलीशियस यमी एंड टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, इसे आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, इवनिंग टी टाइम स्नैक्स में खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अक्सर हम जब रोटी बनाते हैं तो कभी कभी हमारा जो बच जाता है, तो उसका किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत ही यूनिक रेसिपी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बैटर बनाएंगे ग्राम फ्लोर का, यानी बेसन। तो मैंने 2 कप बेसन लिया है, 2 कप ऑफ ग्राम फ्लोर। अब हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, सम कैरम सीड, निगेला सीड एंड सम टर्मरिक। तो मैंने इसमें मिर्ची पाउडर ऐड किया है, अजवाइन, कलौंजी और थोड़ी सी हल्दी ऐड की है, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, सॉल्ट ऐड करना है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, सम कोरिएंडर लीव्स फाइनली चॉप किया हुआ, धनिया पत्ता। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए एक बैटर तैयार करूंगी जिसमें लम्स फॉर्म ना हो, इसे स्टर करते रहना है कंटिन्यूअसली। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कीजिए, यानी वाटर, जिस तरह से हम पकौड़ा बनाते हैं उस तरह का हमारा बैटर होना चाहिए। तो ये हमारा स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब मैं इसे ढककर रख दूंगी 10 मिनट्स के लिए। तब तक हम पोटैटो मिक्सचर तैयार करेंगे जो हम फिलिंग करेंगे उसके लिए। तो एक पैन में हमें 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड करना है, सम मस्टर्ड सीड अराउंड 1 टीस्पून के बराबर। अब मैं इसमें जीरा ऐड करूंगी, यानी क्यूमिन सीड, वो भी 1 टीस्पून के बराबर लिया है मैंने। जब हमारा मस्टर्ड सीड क्रैकल करने लगेगा, यानी सरसों के दाने, तब मैं इसमें अनियन ऐड करूंगी, फाइनली चॉप किया हुआ 1 मीडियम साइज का अनियन, यानी प्याज। प्याज के साथ हम मटर भी डाल लेते हैं ताकि ये भी सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी ताकि हमारा मटर जल्दी कुक हो। तो मैं इसमें अराउंड 1 टीस्पून के बराबर ऐड करूंगी। अब हम इसे 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। तो प्याज और मटर हमारा पक चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे, ड्राई मसाले। तो मैंने इसमें कोरिएंडर, टर्मरिक, रेड चिली पाउडर एंड ऑल स्पाइस पाउडर, यानी गरम मसाला ऐड किया है 1/4 टेबलस्पून के बराबर, और हल्दी कलर के लिए ऐड किया है मैंने। इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी और अच्छे से मसाले कुक कर लेना है ऑयल सेपरेट होने तक, 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो मसाले हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब मैंने लिया है 4 बॉयल मीडियम साइज के पोटैटोज, यानी 4 आलू को मैंने बॉईल करके छील लिया और अच्छे से मैश कर लेना है। इसे हम ऐड करेंगे और सम सॉल्ट ऐड करेंगे। फ्लेम हमें थोड़ा मीडियम टू स्लो रखना है। अब मैं इसमें सम सॉल्ट ऐड करूंगी और सम कोरिएंडर लीव्स, यानी धनिया पत्ता और नमक ऐड करना है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट पका लेंगे। तो हमारा फिलिंग मिक्सचर पोटैटो का बनकर तैयार है, इसे हम स्टफिंग में यूज़ करेंगे। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और इसे ठंडा होने देते हैं। तब तक आप देख सकते हैं मैंने 3 चपाती लिया, यानी रोटी, तो 3 रोटी बच गए थे। अब मैं इसका यूज़ करूँगी। तो इस तरह से हमें रखना है और हाफ सर्कल में फोल्ड करके हम इसे काटेंगे। आप देखिए इसे ध्यान से, इस तरह से हमें कट कर लेना है। तो 1 चपाती के हमारे 2 टुकड़े हुए हैं, यानी 2 इक्वल हाफ्स हुए हैं, हाफ सर्कल। अब मैं इसमें स्टफिंग फिल करूंगी। अब फ्रेंड्स, मैंने एक स्लरी तैयार की है, 1 टेबलस्पून आटा लिया था और थोड़ा सा पानी ऐड करके इस तरह से हमें स्लरी बना लेना है। इससे हम सील करेंगे अपने चपाती को स्टफिंग करने के बाद। अब मैं थोड़ा सा फिलिंग डालूंगी चपाती में। तो इस तरह से हम फिलिंग ऐड करेंगे एक कॉर्नर पे और हम इसे सील करेंगे स्लरी से
जो हमने तैयार किया है। अच्छे से दबाते हुए हमें फिलिंग ऐड करना है। अब इस तरह से हम फिंगर से ऑल कॉर्नर्स में स्लरी लगा देंगे। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्राई करते वक्त ऑयल अंदर ना जाए और जो बेसन का हम इसमें कोट करेंगे वो भी अंदर फिलिंग में ना जाए। तो इससे ये प्रॉपरली सील हो जाता है। अब हम सेकेंड हाफ को टर्न कर देते हैं और अच्छे से दबा लेंगे। तो इस तरह से हमें सील कर देना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से सील हो चुका है। इसी तरह से हम सारी तैयारी कर लेंगे सेम प्रोसेस से। दूसरा भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो सारा मैं तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी ऑयल गरम करके रखा था, तो हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा बैटर डाल के। तो ये परफेक्ट टेम्परेचर है ऑयल का, तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें इसे सेकना है। तो इस तरह से हम अपने ग्राम फ्लोर के बैटर में डिप करते हुए अपने चपाती पॉकेट्स को तल लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसी तरह से खाइए या ऐसे चटनी सॉस से खाइए, बहुत यम्मी होता है। तो फ्रेंड्स, एक तरफ से हो जाने के बाद तभी हम फ्लिप करेंगे। तो इसके ऊपर भी हम गरम ऑयल डाल लेते हैं ताकि जब पलटे तो ये प्रॉपरली कुक हो। तो फ्रेंड्स, ये दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ टोंग के हेल्प से एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव करते हुए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा स्नैक्स बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम बाकी का भी सेक लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यमी नाश्ता बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू वॉच माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।